पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी वोकल फॉर लोकल विषय पर एक कार्यक्रम पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित राही होटल में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न उत्कर्ष कार्य करने वाले निर्यातकों को कई गुना निर्यात बढ़ाने के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में महासचिव द्वारा बीते 3 वर्षों में पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम को निर्यातकों की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आने वाली समस्याओं के समाधान कराने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम द्वारा अपना पूर्ण सहयोग निर्यातकों, आर्टिजन्स और सभी एसोसिएशंस को निर्यात बढ़ाने के लिए खुले मन से देने का वादा किया। कार्यक्रम के अंत में निर्यात क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने वाले निर्यातकों जिसमें रवि सिंह मैसर्स आरआर इंटरनेशनल, रितुल भंदूला मैसर्स अल्पाइन प्लस, राहुल सिंह मैसर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, अनुश्री सिंह मैसर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, निखिल अग्रवाल मैसर्स ओम एक्सपोर्ट्स, हेमंत जुनेजा मैसर्स ओलिवर मेकोरैया। कार्यक्रम के अंत में निर्यातकों को उत्कर्ष कार्य करने के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इस दौरान रवि सिंह, ऋतु भंडूला, राहुल सिंह, अनुश्री सिंह, निखिल अग्रवाल, हेमंत जुनेजा, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अबूजर और इसके साथ नजमुल इस्लाम सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नावेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल एवं संरक्षक नजमुल इस्लाम, प्रेमवीर सिंह, राजीव भंडूला सभी निर्यातक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती यस के सदस्यों ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा के महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय ढाका, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक सिंह के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें अमित अग्रवाल को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया। कई मसले हमारी संस्था के द्वारा हल हो गए। मैं इसलिए सब बात बता रहा हूँ कि जफर साहब के बारे में आप सबको जानकारी होना चाहिए। खामोश तबीयत के व्यक्ति हैं, लेकिन गुलाब की तरह से खिलते हैं, जिनकी खुशबू सारी दुनिया में जाती है। हमें बहुत गौरव महसूस होता है कि आज हमारे साथ जबर शाम साहब जैसे शख्सियत इस मंच पर रहा। हमारे निर्यातक बंधु जीएसटी से जुड़ रहे थे, आर्टिजन्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि जीएसटी नहीं मिल रहा था। हमारी ईपीसीएच के डीजी साहब राकेश कुमार जी और हमारी भेंट फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ ही घंटों में कराकर उन्होंने ये सारी सुविधा हम लोगों को अगले दिन रिलीज कराई। मैं उनका इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। हमें सब्सिडी बंद कर दी गई थी निर्यातकों को, माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा जबरदस्त काम की गई हस्तक्षेप के बाद वो सब्सिडी 3 दिन में फिर दोबारा शुरू हो गई। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आर्टिकल्स बेइंतहा परेशान थे कोविड में, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कारीगर थे, पीटर की मरम्मत करने वाले, स्टील की मरम्मत करने वाले, वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी हमारे स्थानीय लोगों ने, बाहर के लोगों ने हाथ बता दिए थे कि ये केंद्र का आदेश है, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। रविवार का दिन था, मैंने लोगों से जबर साहब को फोन किया, जबर साहब ने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, जबर साहब ने सेंट्रल में फोन किया और इतवार के दिन 5 बजे ऑक्सीजन मुरादाबाद में कार्यक्रम के लिए दोबारा मिल गया। ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि हमारे आर्टिजन्स भी उनकी सरपरस्ती में मुरादाबाद के विकास की ओर चले, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा उनके आगे अपनी बात रखते हैं। हर आदमी से बैठूंगा जो लड़ों में हैं, हमारे निर्यातक भी अपनी समस्याएं हर समय हमारे माध्यम से, रजन भाई के माध्यम से, खन्ना जी के माध्यम से, नागर साहब के माध्यम से और हमारे एलयूबी के हेमंत जुनेजा साहब कहते नहीं हैं,
उनके माध्यम से सारी संस्थाओं के माध्यम से रख सकते हैं जिनके लिए वो सजेक्ट तैयार करेंगे। यहाँ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक्सपोर्टर्स, आर्टिजन्स, मैं सभी लोगों का आज इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए अभियान लोकल टू वोकल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे भाई श्री अखिलेश अग्रवाल जी ने भी जफर साहब के लिए जो व्यक्त करता है मैं उससे सहमत हूँ और मुझे लगता है कि जफर साहब जैसा व्यक्ति हमारे शहर के लिए एक मिसाल है और हम लोग जिस तरह की समस्याएं लेकर के जफर साहब के पास गए हैं उस तरह की समस्या उन्होंने उस पर इमीडिएटली एक्शन लेकर के और जो कंसर्न अधिकारी है या जो कंसर्न मंत्री है उनसे बात करके समाधान करा है। और मैं जफर साहब से उम्मीद करूँगा कि हमारे शहर का जो MP है वो जफर साहब ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में जफर साहब ने सम्मिलित करा और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादा न समय बात करके जफर साहब का जो वाणी है उनके द्वारा को सुने कि वो हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं और हम लोग उनके साथ में इस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके अपने निर्यात को अपने काम को करियर को के काम के लिए क्या हम कर सकते हैं। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वोकल फॉर वोकल जाए हमारे भाई नजर साहब जो देवबंद से अवधेश जी और नजर जी ये दो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर वक्त चिंता करते रहते हैं आर्टिजन्स की, एक्सपोर्टर्स की। कोई समय ऐसा नहीं है कि कभी इनसे मैं अपनी या उनकी बातें कर पाऊँ। वो सिर्फ चिंता करते हैं आर्टिजन्स और जो आपके एक्सपोर्टर्स के बारे में। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज आर्टिजन्स, कारीगर और एक्सपोर्टर्स सब एक ही छत के नीचे बैठे हैं और सब का मिशन जो है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो मिशन वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल उस मिशन के साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ जो आप लोग सभी लोग आ जाए। आज मुझे मालूम है फ्राइडे का भी दिन है और सुबह का भी समय है, लोग फ्राइडे के दिन आराम से उठते हैं और अगर जिनको नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं और लंच के बाद ही लोगों से मिलना जुलना होता है। और मुझे शायद ये मेरे ख्याल से एक सेकेंड के लिए डाइग्रेस करूँगा, मुरादाबाद थोड़ा सा लेट बैक किया गया है, मुझे एक बार शादी में जाना था। मुरादाबाद में कई बार बहुत बार रिक्वेस्ट किया किसी ने तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली मुझे पहुँचना है लेकिन मैं शादी में जाऊँगा। तो मैं शादी में अटेंड करने के लिए सर्किट हाउस में रुक गया थोड़ा देर कि 7:30-8 बजे जाऊँगा। जब 8 बजे गया तो मैं पहला आदमी था, 8:30 बजे गया तो मैं अकेला आदमी था। लेकिन मेरे रेस्क्यू में क्योंकि मैं सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ नहीं रखता हूँ, मैं एक साधारण आदमी की तरह चलता हूँ, तो हमारे जिला के जो अध्यक्ष थे राजपाल जी अब वो मेरे साथ गए थे। तो उनकी 10-20 गाड़ियाँ थी और सिक्योरिटी विक्योरिटी भी थी तो लोगों ने समझा कि बारात आ गई है। तो हम बाराती थे ऐसा लगा लेकिन सच मुझे तो शादी में पहले आदमी भी लोग थे और हम तो वहाँ से फॉरन में निकले थे तब भी लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोग देर से आते हैं, अभी तो सवेरा है। आर्टिजन पार्क बहुत मैसिव लेवल का आर्टिजन पार्क है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं नदी के उस छोर से शुरू किया था, आज मैं कामयाबी के इस छोर तक पहुँच गया है जहाँ तक मुझे बहुत हद तक मुझे यकीन हो गया है कि अब मुझे वो जमीन भी मिल जाएगी 650 एकड़, वो फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, वो जो रिसोर्सेज के जरूरत वो भी मिल जाएगा और यहाँ पर एक जो आर्टिजन पार्क होना चाहिए वो भी साकार होगा। ये बिल्कुल उसका श्रेय हमारे सेंट्रल लीडरशिप के साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है जिनसे मैंने बहुत चर्चा की और उनसे अब मुझे सहमति मिली कि हाँ इस चीज़ को करना चाहिए और जल्दी इसका
जो है आप अनाउंसमेंट भी देखेंगे। यह ऐसा मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके जब इसकी शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बहुत अड़चने हैं, लेकिन जैसे जैसे इस चीज को गड़ा आगे उठाना चाहता तो धीरे धीरे कामयाबी के रास्ते मुझे लगता है कि हो जाए। और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पोटेंशियल के मुताबिक हम शायद उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए। लोग कहते हैं 8,000-10,000 करोड़, मैं कन्विंस नहीं होता, $1 बिलियन कुछ नहीं होता। मैं बैंकर रहा हूँ, बिलियंस और बिलियंस डॉलर में मैंने खेला है और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े आज तक के ट्रांजेक्शन है जो टाटा कोरस या नॉवेलिस्ट के लिए जो हुआ था हिंदुस्तान, उसका शेयर मुझे याद है कि मैंने सिंगल हैंडली वो ट्रांजेक्शन किया था जो 1,00,000 करोड़ का था। मैं चाहता हूँ और मेरी सोच भी है, मेरी कोशिश भी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जहाँ राह वही जो है वहीं पर आप कामयाबी मिलती है, अगर आप कोशिश करते हैं तभी कामयाबी मिलती है। मुझे यहाँ के एक्सपोर्टर में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उनकी अपनी क्षमताओं को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और ये अकेले नहीं हो सकता, इसलिए किसी बीच में इंक्रीज होता है ताकि सरकारी निवास जो सुविधाएं मिले उनको फैसिलिटीज मिले या उसको जो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके कामों में तेजी आए ना कि अड़चन आए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अब तक जो भी बात की मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे उनकी सहमति प्राप्त हुई है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर मुझे कहा कि इस काम को आगे बढ़ाना है, उनके उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगले हफ्ते उनसे मिल रहा हूँ,